पर नाम माता। और वो तुम्हारे भाई हैं। पर नाम भैया। वो तुम्हारे काका जी हैं। प्रणाम काका। तो एक और पिताश्री है। नहीं नहीं पुत्री, चकित मत हो, ये तो मात्र मेरा प्रतिरूप है। ये कौन है पिताश्री और इनसे हमारा क्या संबंध है? ये मुझे रचने वाले मेरे जन्मदाता, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरे पिताजी की रचना करने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो पुत्री। और बड़े अद्भुत है प्रभु। क्यों, मुझ में ऐसी क्या विचित्रता देख ली तुमने? अपने इन बड़े बड़े कानों से संपूर्ण जगत की सभी बातें सुन लेते होंगे आप। और इतनी लंबी नासिका है आपकी, तो भोजन का है, ये सुनकर ज्ञात करना तो बहुत सरल होगा आपके लिए। पेट भी कितना विशाल है आपका, किंतु अभी तो बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, सत्य कहा तुमने। तो फिर और मोदक क्यों खाते जा रहे हैं आप? ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि को मन भर के भोजन करवाना ये तो सर्वोच्च नियम है। इन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इन्हें मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा ये नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए पुत्री जिससे इनका वचन भंग हो। किंतु पिताश्री। ज्येष्ठ भ्राता, मुझे शीघ्र एकांत में आपसे कुछ वार्तालाप करना है। ऐसे क्या सूचना है बहन धूमिनी जिसे देने के लिए तुम मेरी तनिक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी? पिताजी ने इनको बहन पुकारा तो ये मेरी बुआ जी है। प्रणाम बुआ जी। अब जाइए पिताश्री, आपका कर्तव्य तो सबसे बड़ा है, आप उनका ध्यान रखिए। मैं यहाँ प्रभु का ध्यान रखूंगी, इनकी सेवा करूंगी। उचित है पुत्री। प्रभु, आपके लिए मेरा एक सुझाव है, आप धीरे धीरे खाइए, इस प्रकार आप खाते भी रहेंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा। तुम्हारा सुझाव तो अत्यंत उत्तम है, अब ऐसे ही खाऊंगा मैं। गणेश की असुविधा का आभास तो इस छोटी सी बच्चे को भी हो गया। किंतु दुष्ट भंडासु, अपने आराध्य को वचनबद्ध कर पुत्र गणेश को कष्ट देने पर ही आतुर है, किंतु अब अपने कर्मों के जो बीज इस भंडासुर ने बोए उसके फल स्वरूप स्वयं भी भयंकर कष्ट का भागी बनेगा ये कुटिल असुर। अपनी पुत्री से मेरी प्रथम भेंट में बाधा उत्पन्न करने का क्या कारण था? आइए भ्राता, देखिए। इसमें इतना विशेष क्या है?
ये मात्र जगराता नहीं है भ्राता, विजय का उत्सव है ये, जिसे रोकना अति आवश्यक है। और ऐसे विजय के उत्सव में हुआ विस्फोट बहुत प्रभावशाली होता है जीश। मैं इनके इस विजय उत्सव को शोक में परिवर्तित करना चाहती हूँ। जगराते की इस रात्रि को इनके विनाश की रात्रि बनते देखना चाहती हूँ मैं। ये जगराता क्या होता है प्रभु? ऐसी रात्रि जिसमें उनके सभी भक्त माता की भक्ति में खोए रहते हैं और संपूर्ण रात्रि माता के नाम का स्मरण कर उनका भजन कीर्तन कर अपने जीवन को नवीन उत्साह और आनंद से भर लेते हैं। क्योंकि जो भी जगराते में भाग लेता है उसमें एक अपूर्व शक्ति का संचार होता है। तब तो मैं भी माता के जगराते में भाग लेना चाहती हूँ। घोर तपस्या कर स्वयं को विस्फोटक में परिवर्तित करने का सामर्थ्य अर्जित किया है मैंने। विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी काम रूपी शक्ति का प्रयोग कर मैं वहां देवी रूप में जाकर उन देवियों की सबसे बड़ी देवी के आगे भयानक विस्फोटक कर सकती हूँ। किंतु दुर्भाग्यवश विस्फोट के बाद पुनः कुशल होने की विद्या प्राप्त करने में मुझे भी समय लगेगा। और ज्येष्ठ, आप अपनी इस अकेली बहन को अपने अपार स्नेह के कारण इस प्रकार बलिदान कदापि नहीं करने देंगे। इसीलिए तो तुम बलिदान दो। किंतु ज्येष्ठ, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। इतना उत्तम उपाय सूझा है तुम्हें तो उसका प्रयोग करो। स्मरण रखना, तुम्हारा ज्येष्ठ तुम्हारे बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं होने देगा। इन देवियों को हताश करेगा। यदि वहां कोई बचा भी रह गया तो मेरे 17 महासेनापतियों के साथ आक्रमण कर मेरी सेनाओं से भी नष्ट कर देगी। कोई नहीं बचेगा, ना उनका कोई रथ ना कोई देवी। किंतु भ्राता, मैं भी तो नहीं बचूंगी। आपकी एकमात्र बहन वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सत्य कहा तुमने बहन दुमिन। तुम्हारे इस उत्तम उपाय को सफल करने हेतु मैं अपनी प्रिय बहन को मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूं? किंतु सत्य ये भी है कि अपने राज्य, अपने राजा और अपने ज्येष्ठ के प्रति इतना बलिदान तो चल जाए, चल जाए। तुम्हारा महानायक तुम्हें आदेश दे रहा है, जाओ जाकर शत्रुओं का विनाश करो और जो बचेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। जाओ, मैंने कहा जाओ। जाना है, मुझे भी जाना है माता के जगराते में, मुझे भी जाना है। जाना है, जाना है, मुझे भी जाना है। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं इस दिव्य अवसर पर माता के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तब तो आप भी चलिए ना माता के भक्ति में झूमते हुए। हम दोनों जाएंगे, वहाँ बहुत आनंद आएगा।
समझ गई। पिताश्री को दिया हुआ वचन नहीं भंग कर सकते आप। आपको यही रहकर मोदक खाने होंगे, इसलिए इतना दुख हो रहा है ना आपको। किंतु दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। आप यहाँ खाते खाते विचार कीजिए और मैं वहाँ बैठकर कुछ सोचती हूँ। प्रभु महाशिव के यज्ञ के पूर्ण होने से पहले आज की इस रात्रि में इस देवी शत्रु का अंत हो जाएगा और मेरा संकट टल जाएगा। ज्येष्ठ, अब तो मुझे अवश्य रोकेंगे। अब मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। और आपको दुखी छोड़कर मैं कैसे जाऊं वहां? अब आप ही बताइए ना हम क्या करें। मेरी सहायता? आपकी सहायता प्रभु? नहीं नहीं, मैं इतने मोदक नहीं खाऊंगी, मेरा पेट फट जाएगा। नहीं रश्मि प्रभा, मोदक खाने में नहीं, तुम माता के जगराते में भाग लेने में मेरी सहायता कर सकती हो। किंतु जब आप जा ही नहीं सकते तो? रश्मि प्रभा, मैं नहीं जा सकता, किंतु मेरी ओर से तुम ये पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर सकती हो। इस प्रकार हम दोनों माता की पूजा में भाग ले सकते हैं। वाह प्रभु, आपने तो अपनी बुद्धि से इतना अच्छा समाधान ढूंढ लिया। मान गई गणेश जी आपकी बुद्धिमानी को। धन्य है ये बालिका जिसने माता के निकट होने में मेरी असमर्थता को समझकर इतने निस्वार्थ भाव से मेरी आस्था को माता के चरणों तक पहुंचाना स्वीकार किया। कितनी एकाग्रता से मेरे पुष्प ले जा रही है ये नन्ही बालिका। विशाल कुटिलाक्ष के साथ मेरे सभी 17 सेनापतियों, आज हम इस देवी के साथ इस युद्ध का भी अंत करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, जैसे ही वहां पर विस्फोट हो तो बिना विलंब किए उन पर भूखे सिंह की तरह टूट पड़ो और वहां जो भी देवियां बची हो उन सभी का अंत करना। हम और हमारी सेना अंतिम आक्रमण के लिए तैयार है सुरमा नायक। घृणा का एक पल भी व्यक्ति को इस प्रकार नेत्रहीन कर देता है कि वो प्यार भरे 100 पलों को भी नहीं देख पाता।